झांसी में चलती ट्रेन में अवैध वेंडर से चाय गिरने से मची भगदड़ में दो यात्रियों की मौत का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि चलती ट्रेन में बिक रही शराब के कारोबार का पर्दाफाश हो गया। यह अवैध शराब के कारोबार का पर्दाफाश रेलवे की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने वालों ने नहीं बल्कि टीटीई ने किया है। करीब 5 बैग भरकर पकड़ी गई अवैध शराब को बरामद कर अज्ञात वेंडरों के खिलाफ रेल प्रशासन ने कार्रवाई की है। आपको बता दें, झांसी मंडल रेल के पीआरओ मनोज कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि ट्रेन संख्या 19483 अहमदाबाद छपरा ललितपुर से बांदा की ओर जा रही थी, जिसमें कोच में टीटीई राजेंद्र सिंह ने देखा कि 4-5 अवैध वेंडर जैसे युवक पिट्ठू बैग लेकर ट्रेन में चढ़े और फिर गायब हो गए। टीटीई को आशंका हुई तो उसने ट्रेन में जांच पड़ताल शुरू करते हुए ट्रेन की बोगियों में बनी बेडशीट रखने वाली केबिन का लॉक तोड़ा तो उसके अंदर 5 पिट्ठू बैग बरामद हुए। ट्रेन टीकमगढ़ स्टेशन पहुंची, जहां टीटीई ने ट्रेन सुरक्षा बल और आबकारी को सूचित कर शराब बरामद कराई। उन्होंने बताया कि बरामद की गई शराब लगभग 161 बोतल है। रेल सुरक्षा बल ने शराब को कब्जे में लेकर अज्ञात वेंडरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं पीआरओ ने कहा कि रेल प्रशासन की ओर टीटीई द्वारा किए गए सराहनीय कार्य पर उन्हें बधाई दी जाती है। देखिए, हमारा जो टीटीई स्टाफ था ललितपुर से बांदा के बीच ट्रेन को मैन कर रहा था, ये हमारी ट्रेन थी 19483। तो इसमें टीकमगढ़ स्टेशन पे टीटीई ने देखा, जो राजेंद्र सिंह मीणा जी ने, उन्होंने देखा कि कुछ अनवांटेड टाइप के लोग कोचेज में आ रहे हैं और फिर तुरंत उन्होंने इस पर कार्रवाई, शक होने पर उन पर अपना कार्रवाई करते हुए उस कोच को पूरे को खंगाला तो देखा कि वो जो अनवांटेड लोग दिख रहे थे वो कहीं भी दिखाई नहीं दिए, वो वहाँ से जा चुके थे। फिर जब ट्रेन को जब कोचों की जांच की गई तो देखा कि 5 पिट्ठू बैग शराब उन्होंने बरामद की और उस शराब को फिर जो खजुराहो RPF को सौंपा और उसके बाद उसको विधिक कार्रवाई करते हुए RPF द्वारा आबकारी टीम को उसको सौंप दिया गया। इसमें लगभग 161 बोतल उनके द्वारा जो बरामद की गई, जो अज्ञात जो लोग थे उसमें उसका जो रखा था, तो 161 बोतल के लगभग थी उनकी, जिसका जो कॉस्ट है वो 59,455 रुपये आता है। तो हमारे जो TT हैं श्री राजेंद्र सिंह मीणा, हम उनके इस प्रशंसनीय कार्य के लिए उनको मतलब उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और साथ ही ये भी कहेंगे कि और दूसरे TT जो और जो हमारा जो अदर स्टाफ है उनको भी राजेंद्र सिंह जी की तरह उनसे प्रेरणा ले और उत्कृष्ट कार्य करें, जिससे रेल को और जो रेल अपने जो यात्रियों को जो सेवा दे रहा है वो उसको और बेहतर तरीके से हम और उपलब्ध करा सकें।